हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग रेक्टिफायर के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये बेसिकली जो सेमी कंडक्टर का रिवीजन सीरीज है उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है। इसके बाद जेनर डायोड का वीडियो आएगा, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आएगा और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। सो बेसिकली इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं वो डिफरेंट टाइप के रेक्टिफायर्स को देखने वाले हैं, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को देखने वाले हैं, टोटल मिलाकर के 9 प्रॉब्लम्स को कवर करने वाले हैं। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रॉब्लम है जो कि नीट 2004 से पिक किया गया है। द पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ ए हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर फेड विद अ साइनोसोइडल सिग्नल विदाउट फिल्टर इज 10 वोल्ट। द डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज। सो देखो इसमें फिल्टर का भी वर्ड यूज हुआ है। बेसिकली जो रेक्टिफायर जो आउटपुट देता है उसको, उसके बाद उसको हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं तब हमको डीसी आउटपुट प्रोड्यूस होता है। सो बेसिकली एक रेक्टिफायर आपको रेक्टिफाइड आउटपुट देता है और उसके फिल्टर का यूज करते हैं। सो ये बोल रहा है कि जो रेक्टिफाइड आउटपुट है वो आपको 10 वोल्ट का पीक वैल्यू दे रहा है, तो डीसी कंपोनेंट क्या होगा। सो इस फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। पहले है ये बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर है। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक सिंगल डायोड का यूज़ होता है और ये इनपुट एसी है। क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कॉयल है उस पर इस तरफ पॉजिटिव आएगा फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में ऊपर वाले में निगेटिव आएगा। सो जब सेकेंड हाफ जो फर्स्ट हाफ में जब पॉजिटिव आएगा, लाइक जब इनपुट सिग्नल ऐसा है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है, तो ये डायोड है ये कंडक्ट करेगा बिकॉज जो पी टर्मिनल है वो बेसिकली पॉजिटिव है और एन टर्मिनल निगेटिव है। सो आउटपुट आपको प्रोड्यूस होगा। और आप यदि डायोड के क्रॉस ड्रॉप को जीरो मानोगे कि डायोड के क्रॉस कुछ भी नहीं ड्रॉप हुआ है, आइडियल डायोड है, तो आपको सेम ऑलमोस्ट मिल जाएगा, ठीक है, वोल्टेज। लेकिन यदि डायोड के क्रॉस ड्रॉप मान लोगे तो आप 0.7 वोल्ट घटा देना, क्लियर है। अब जब निगेटिव रहेगा तो क्या होगा कि डायोड का पी साइड है उस पर निगेटिव टर्मिनल और बैटरी हो गया, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। सो पॉजिटिव के लिए तो ये कंडक्ट करेगा, निगेटिव के लिए कंडक्ट नहीं करेगा। पॉजिटिव के लिए करेगा, निगेटिव के लिए कंडक्ट नहीं करेगा, क्लियर है। सो केवल पॉजिटिव साइकिल गिव्स आउटपुट। और इस केस में जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा, यदि वी जीरो इनपुट है तो आउटपुट भी वी जीरो हो जाएगा पीक। और जो पीक करेंट की बात करोगे तो पीक करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो आरएल हो गया आपको लोड रेसिस्टेंस, और यदि डायोड के रेसिस्टेंस को आरएफ कंसीडर करोगे तब, यदि नहीं कंसीडर करोगे तो वी जीरो बाय आरएल हो जाएगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपको डीसी वोल्टेज क्या होता है। सो डीसी का फॉर्मूला होता है वी जीरो बाय पाई। उसी तरीके से यदि आप करेंट डीसी करेंट के बारे में बात करोगे तो क्या हो जाएगा, पीक करेंट बाय पाई। सो इस केस में जब साइनोसोइडल वेव के एक साइकिल में एक ही वाला पार्ट आ रहा हो तो एवरेज वैल्यू निकलता है पीक बाय पाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आरएमएस वैल्यू के लिए पीक को दो से डिवाइड करना होगा। सो वी आरएमएस इज इक्वल टू वी जीरो बाई टू, आई आरएमएस इज इक्वल टू आई जीरो बाई टू। सो आपको यदि इन सब का डेरिवेशन जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उसको जाइए देखिए और फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सो अब देखो नेक्स्ट है रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम होता है। कैसे सेम होता है, सो आपको एक साइकिल लो, ठीक है, सपोज करो कि ये मैं एक साइकिल लिया, एक साइकिल में आपको जहां इनपुट का एक साइकिल हुआ कंप्लीट, आउटपुट में का भी एक ही आया। सो यदि आप फ्रीक्वेंसी, यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी, आप इनपुट एफ इनपुट यदि मान लो एफ के इक्वल, मींस कि क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकेंड कितना हो जाएगा, यदि फ्रीक्वेंसी एफ है तो नंबर ऑफ साइकिल्स वन सेकेंड में कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। वैसे ही आउटपुट में होगा नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकेंड, ये भी कितना हो जाएगा आपको, एफ ही हो जाएगा, क्लियर है। सो रिपल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हालांकि जो यदि आपसे ऐसा पूछे कि यदि कोई इनपुट में आपको एफ प्लस पॉजिटिव साइकिल है और पॉजिटिव पल्स है और एफ आपको निगेटिव पल्स है तो आउटपुट में टोटल कितने पल्स होंगे, तो आउटपुट में टोटल एफ पॉजिटिव पल्स ही होंगे, क्लियर है। सो ये आई थिंक समझ गए होंगे बहुत आसानी से रिपल फैक्टर। ये आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
रिपल फैक्टर होता है इफेक्टिव अल्टरनेटिंग कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज बाय डीसी कंपोनेंट। सो एसी कंपोनेंट बाय डीसी कंपोनेंट का जो रेशियो होता है वही रिपल फैक्टर होता है, कितना रिपल आया, कितना उसको डीसी देना था, कितना ऊपर नीचे रिपल किया, यही फैक्टर हो गया। सो ये इसको निकालने के लिए फॉर्म फैक्टर एक टर्म होता है आरएमएस बाय डीसी। आरएमएस वैल्यू कितना हो गया आई जीरो बाई टू और डीसी वैल्यू कितना हो गया आई जीरो बाई पाई। सो क्लियरली ये पाई बाई टू हो गया, दैट इज 1.57 हो गया। सो ये रिपल फैक्टर होता है फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट। क्लियर है? सो ये वैल्यू होता है 1.21, इसको आप याद कर लो, ये ऐसे इंपॉर्टेंट है। और फॉर्म फैक्टर का वैल्यू हम लोगों ने देख ही लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है पीक इन्वर्स वोल्टेज। ठीक है, तो पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है द मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज विच इज अप्लाइड अक्रॉस एनी डायोड व्हेन डायोड इज नॉट कंडक्टिंग। देखो इसको मैं आपको फिगर से एक बार बताता हूँ। जब रिवर्स बायस वोल्टेज क्या होगा, जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा, नीचे में पॉजिटिव होगा, ऊपर में निगेटिव होगा, सो इसके अक्रॉस अपना ये करंट फ्लो तो करेगा नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएगा, तो वी जीरो आएगा। सो एन साइड पे वी जीरो मैक्सिमम होगा और पी साइड पे ये जीरो वोल्ट हुआ। सो मैक्सिमम जो मैक्सिमम, हालांकि ये आपको साइन कर्व में तो ये चेंज होते जाएगा, ठीक है, ये इस तरफ होगा वी जीरो साइन ओमेगा टी, लेकिन आपको मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा वी जीरो। तो यही जो पीक वैल्यू होता है ना रिवर्स बायस वोल्टेज का, उसको बोलते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज। तो आप याद कर लो कि ये वी जीरो होगा। क्लियर है? सो मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज आपको आ गया वी जीरो, सब जब डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इफिशियंसी होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या होता है, डीसी पावर होता है। सो ये पी आउट बाय पी इनपुट आपको ये वैल्यू आ जाता है, याद कर लो 40.6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरएफ बाय आरएल। क्लियर है? सो यदि आरएफ हुआ आपको फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ऑफ डायोड, ये यदि लोड रेसिस्टेंस से बहुत कम है, जो कि यूजुअली होता है, तो आप बोलोगे इफिशियंसी 40.6% है, और दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो 20.3% है। सो आपको यदि कुछ भी नहीं आया और एग्जाम में पूछ दे कि हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी क्या है, तो आप आंख मूंद करके 40.6% मार देना। क्लियर है? आगे बढ़े। तो और यदि डायोड का रेसिस्टेंस दिया गया होगा, तो आप समझ जाना कि आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। सो अब इस पर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है, जो कि एम्स में पूछा था। व्हेन टू सेमीकंडक्टर पी एंड एन टाइप आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, दे फॉर्म अ पी एन जंक्शन विच एक्ट्स लाइक अ। सो ये क्लियर है कि देखो एक पी टाइप को लाते हैं, एक एन टाइप को लाते हैं, तो क्या बनता है, पी एन जंक्शन बनता है। और पी एन जंक्शन किसकी तरह काम करता है, एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है। आपको मालूम है कि डायोड एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल को या पॉजिटिव इनपुट को तो जाने देता है, कुछ भी पॉजिटिव इनपुट, वोल्टेज यदि ग्रेटर देन 0.7 रहेगा तो उसको जाने देगा, और निगेटिव को आपको नहीं जाने देता है, निगेटिव वोल्टेज को रोक देता है। सो रेक्टिफायर की तरह काम करता है। प्रॉब्लम नंबर 3 देख लेते हैं। ए रेक्टिफायर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर इज बीइंग यूज्ड टू रेक्टिफाई एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, द नंबर ऑफ पल्सेस ऑफ रेक्टिफायर करंट। देखो ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर का फ्रीक्वेंसी यदि 50 हर्ट्ज है, तो एक सेकेंड में आपको कितना साइकिल आएगा, 50 साइकिल। क्लियर है? मीन्स की 50 साइकिल ऐसे आया। क्लियर है? अब एक साइकिल के क्रॉसपॉन्डिंग आपको कितना पल्स आता है, ठीक है, एक साइकिल के क्रॉसपॉन्डिंग आपको एक पल्स आता है, तो 50 साइकिल के क्रॉसपॉन्डिंग कितना पल्स आएगा, 50 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 4, इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ वेव इज। देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, आपको आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू के बीच में कंपैरिजन बेसिकली पूछ रहा है। तो आपको मालूम है कि आरएमएस वैल्यू कितना होता है, वी जीरो बाई टू होता है, और डीसी वैल्यू कितना होता है, वी जीरो बाई पाई। तो बताओ कौन सा छोटा है, तो क्लियरली जो डीसी वैल्यू है वो आरएमएस वैल्यू से छोटा है। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट इज मोर देन डीसी वैल्यू, आंसर बी होगा। देखो ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो ये कौन सा प्रॉब्लम नंबर 5, 220 वोल्ट एसी सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी,
शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज। सो देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये है देखने में छोटा है लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। आप चाहो तो इसको पॉज करके अभी ट्राई करो, ठीक है, और उसके बाद यदि नहीं बनता है तो फिर आप इसका वीडियो देखो कि ये कैसे बनता है। सो देखो इसमें यहाँ पर बोल रहा है कि जो एसी सप्लाई हो रहा है वो 220 वोल्ट है। सो एसी सप्लाई 220 वोल्ट होने का मतलब हो गया कि वी आर एम एस है आपको 220 वोल्ट, ठीक है। और यदि आप इस वी आर एम एस से आप यदि पीक वैल्यू निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? सो देखो पीक वैल्यू आप जो जो आपको घर में जो सप्लाई होता है या फिर आपने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा भी होगा कि यदि 220 वोल्ट आरएमएस होगा तो पीक वैल्यू कितना होगा आपको? वी आरएमएस इनटू स्क्वायर रूट टू, क्लियर है। सो यदि किसी का आरएमएस वैल्यू यदि वी आरएमएस है तो पीक वैल्यू आता है वी आरएमएस इनटू स्क्वायर रूट टू। सो इस यहाँ पर जो पीक वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? यही आएगा। अब देखो कि ये जो डायोड है ये के आपको कैपेसिटर से लगा हुआ है, ठीक है, और जब ये आपको वोल्टेज इधर से आएगा और फिर ऐसे करके करंट फ्लो करेगा या वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा, सो जिस समय वोल्टेज आपको स्टार्ट होकर सपोज करो कि ऐसे वोल्टेज है, ठीक है, सो ये वोल्टेज बढ़ रहा है तो कैपेसिटर के यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है, साइन के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है। जिस समय ये पीक वैल्यू यहाँ पर आया, पीक वैल्यू यहाँ पर कितना आया था? वी आर एम एस स्क्वायर रूट टू, मीन्स कि आया था ये 220 स्क्वायर रूट टू। सो यहाँ पर मैक्सिमम जो वोल्टेज आया वो आया 220 स्क्वायर रूट टू, उस समय ये कैपेसिटर इसी वोल्टेज से चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये कैपेसिटर जब चार्ज हो गया तो कम्प्लीटली चार्ज हो गया, अब इसका चार्ज कहीं से हट नहीं रहा है, ठीक है, सो इसी पर रहेगा और ये यही वोल्टेज को ये रिटेन करेगा। आपको मालूम है कि कैपेसिटर जब एक पर्टिकुलर पॉइंट तक चार्ज हो जाता है तो उसमें वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, फिर आप यदि उसको किसी एक रेसिस्टेंस से जोड़ोगे ना तो वो उससे हो करके अपने सारे चार्ज को लूज करेगा, लेकिन यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस तो है नहीं। सो अल्टीमेटली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर सी इज 220 स्क्वायर रूट टू वोल्ट हो जाएगा, क्लियर है। देखो बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इस टाइप का प्रॉब्लम छोटा होता है और ये ट्रिकी होता है। अब देखो अब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में समझेंगे। सो फुल वेव रेक्टिफायर का जो प्रॉब्लम नंबर है वो 6 है। इफ़ अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ज मेंस देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल इज। सो आप देखो ये फुल वेव रेक्टिफायर में एक की जगह दो डायोड का यूज होता है, डायोड D1 और डायोड D2। जब ये पॉजिटिव रहेगा तो ये कैसे आपको चलते इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे फ्लो करेगा, क्लियर है। और जब ये निगेटिव रहेगा तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा। सो बेसिकली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी करंट फ्लो करेगा और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी करंट फ्लो करेगा। सो पॉजिटिव में भी आपको पल्स मिल रहा है, निगेटिव में भी पल्स मिल रहा है, और पॉजिटिव में D1 आपको डायोड कंडक्ट कर रहा है, निगेटिव जो पल्स है उसमें D2 कंडक्ट कर रहा है। सो इस टाइप से जो आउटपुट है वो आपको बेसिकली फ्लक्चुएटिंग डीसी मिल रहा है। देखो आपको आउटपुट हमेशा फ्लक्चुएटिंग डीसी मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइड आउटपुट। इसको आप फिर एक फिल्टर से लगाते हो, ठीक है, फिल्टर से जब क्रॉस कराते हो तो ये क्या होगा ना कि फिर आपको ये ऐसे ऐसे करके निकलेगा इस टाइप से, ठीक है। सो अल्टीमेटली फिर आप इसको मल्टीपल इस टाइप से प्रोसेस करके इसको एक आप डीसी आउटपुट में ले आते हो, क्लियर है। सो अब इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है? आपको मालूम है कि हाफ वेव में सिंगल पल्स था तो V0/π आ गया था, यहाँ पर दो दो पल्स आ रहा है तो सीधे आपको 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2V0/π हो गया V एवरेज। यदि करंट का एवरेज वैल्यू करंट की बात करें तो 2I0/π हो जाएगा। RMS का वैल्यू इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, RMS वैल्यू वहाँ पर जहाँ V0/2 था यहाँ V0/√2 था, 2 होगा। रिपल फैक्टर के बारे में बात करें तो रिपल फैक्टर यहाँ पर क्या होगा? 40% होगा। पीक इन्वर्स वोल्टेज मीन्स कि मैक्सिमम इन आप बोल सकते हो रिवर्स बायस वोल्टेज व्हेन द डायोड इज नॉट कंडक्टिंग, इस केस में क्या होता है? 2V0 होता है, उसमें आपको V0 था यहाँ पर 2V0 है।
रिपल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। देखो ये जनरली पूछता है रिपल फ्रीक्वेंसी, आप एक साइकिल में देखो, एक साइकिल में इसका इनपुट का एक ही पल्स है और आउटपुट का एक साइकिल में कितना पल्स हो गया, दो पल्स हो गया, क्लियर है। सो आपको ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकेंड। सो जितने नंबर ऑफ साइकिल्स, सपोज करो इसका फ्रीक्वेंसी एफ है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकेंड में एफ आएगा, इसमें कितना आ रहा है, टू एफ आ रहा है। सो क्लियरली रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज टू इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट ए सी। इफिशियंसी के बारे में बात कर लेते हैं। सो इफिशियंसी होता है आपको आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर या डीसी पावर बाय एसी पावर होगा, बिकॉज ये आपको एसी टू डीसी में चेंज कर रहा है। सो इफिशियंसी होता है 81.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरएफ बाय आरएल। वहां पर क्या था, 40 पॉइंट था, ठीक है, 40.6 जैसा था। अब यदि तुम डायोड के रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दोगे तो इफिशियंसी आ जाएगा 81.2%। हालांकि ये फॉर्मूला आया कैसे ना, इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो इस प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग समझेंगे। ए फुल वेव पीएन डायोड रेक्टिफायर यूजेज अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 1500 ओम। सो आरएल दिया गया है 1500 ओम और बोल रहा है नो फिल्टर इज यूज, द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज 10 ओम। सो ये आपको आरएफ दिया गया है 10 ओम। अब आपसे पूछ रहा है द इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफायर। सो इफिशियंसी जो रेक्टिफायर का होता है ना, वो होता है डीसी पावर या आउटपुट पावर, चूंकि आउटपुट में डीसी है, डिवाइडेड बाय एसी पावर। अब डीसी पावर क्या है, जो देखो आपको पावर क्या होता है, आई स्क्वायर बाय आर, ठीक है, और लोड रेजिस्टेंस है आउटपुट पे। सो क्या होगा, आप ले लोगे आई डी सी। सो आई डी सी का वैल्यू कितना होता है, 2I0 by pi, ये हो गया आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइडेड बाई ए सी पावर। ए सी पावर क्या होगा, I0 by square root 2 ए सी करेंट, मीन्स कि वो आर एम एस करेंट इंटू जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या है यहाँ पर, आर एल प्लस आर एफ। तो इसी को जब सॉल्व करोगे ना तो इसमें चेंज हो जाएगा। देखो मैं बस समझाना चाह रहा था कि कैसे ये फॉर्मूला आया, केवल रटना अच्छी बात नहीं है। सो परसेंटेज की टर्म में बात करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 81.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1500, और इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा आपको अप्रोक्सीमेटली 80.6%, ठीक है। ऐसे भी देखो आपके पास ऑप्शंस जो 81 के पास में है वो 81.2% है और 80.6 है, लेकिन आपको यदि फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस का 10 ओम दिया है, इसका मतलब है कि आपको इसको कंसीडर करना है। तो कंसीडर करना है तो 81.2 तो होगा ही नहीं, तो आँख मूंद कर तुम 80.6 मार सकते हो, ठीक है। सो एग्ज़ाम में दिया है इस टाइप का प्रॉब्लम, देख लेना। अच्छा फुल वेव है, ओके 80.6 हो जाएगा क्योंकि रेसिस्टेंस दिया गया है। हाफ वेव है, रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है तो ये होगा, रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है तो ये होगा, क्लियर है। बहुत आसान से प्रॉब्लम, सब विद इन सेकेंड्स बन जाने वाला है। और अब ब्रिज रेक्टिफायर देख लेते हैं। देखो ब्रिज रेक्टिफायर ना बस सेंटर टैप रेक्टिफायर से थोड़ा सा चेंज किया गया, एक ब्रिज बनाया गया क्योंकि उसमें थोड़ा सा लॉस हो जा रहा था। सो इसमें भी यहाँ पर चार आपको डायोड होते हैं जो एक ब्रिज की तरह कनेक्टेड होते हैं, और इसमें जो इनपुट है ना, इनपुट आप लगाते हो ऐसे दो डायोड के बीच में जिसमें से कि एक आपको पॉजिटिव बायस्ड हो, मीन्स एक का पी साइड हो और दूसरे का एन साइड हो, क्लियर है। सो मीन्स D1 D4, और ऐसे ही आउटपुट आप किन दो एंड से लेते हो, ऐसे दो एंड से लेते हो जहां दोनों का पी साइड हो और दोनों का एन साइड हो। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के लिए कैसे कंडक्ट करता है वो देख लेते हैं। सो पॉजिटिव साइकिल के लिए यहां पर रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, और यहां रहेगा नेगेटिव। तो यहां पर पॉजिटिव के लिए ये आपको क्या होगा, करेंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है, फिर इस तार से जो रेड रंग से दिखाया गया इससे आएगा, ये लोड से आएगा, ठीक है, और D3 इसके थ्रू फिर से यहाँ पर आ करके फिर इससे ये ट्रांसफार्मर में चला जाएगा, क्लियर है, समझे। सो D1 और D3 आपको कंडक्ट किया। अब निगेटिव में मैं कैसे काम करेगा, सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सो निगेटिव साइकिल के लिए जो लोअर वाला है वो आपको पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ से आपको आएगा, ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ से D2 में गया, फिर ये लोड में आ जाएगा, इधर इधर से आएगा, ठीक है, और ये फिर D4 से होकर के निकल जाएगा। सो निगेटिव के लिए D2 और D4 कंडक्ट करता है, ठीक है, और पॉजिटिव साइकिल के लिए D1 और D3 करता है, क्योंकि पॉजिटिव के लिए ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये रिवर्स बायस्ड है, निगेटिव के लिए ये रिवर्स बायस्ड है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है। यहाँ पर आपको फिगर से भी दिखाया गया है,
ठीक है, ऑल पैरामीटर्स आपको जो फुल वेव की तरह ही है, केवल पीक इनवर्स वोल्टेज यहाँ पर वी जीरो होता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछता है। सो अब हम लोग देख लेते हैं, देखो इसमें जो प्रॉब्लम नंबर 8 है इसी पर बेस्ड है। इन अ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट द इनपुट सिग्नल शुड बी कनेक्टेड बिटवीन। सो इनपुट सिग्नल को हमको ऐसे जगह पर कनेक्ट करना है जहां पर आपको एक पॉजिटिव टर्मिनल रहे, मतलब एक डायोड फॉरवर्ड बायस रहे और एक डायोड रिवर्स बायस रहे, उनके एंड में करना है। तो क्लियरली बी और डी के बीच में हो जाएगा। सो ये आंसर बी और डी हो जाएगा। मैं यदि बोलूँ कि लोड रेजिस्टेंस या आउटपुट किसके क्रॉस करना है, तो आउटपुट के लिए आपको ध्यान दो सी मीन्स कि दोनों पी साइड हो और दोनों एन साइड हो, तो ए और सी हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपको आउटपुट के लिए और ये हो जाएगा इनपुट के लिए। इस टाइप का प्रॉब्लम पूछ देता है, बड़ा छोटा है लेकिन ना वो एग्जाम टाइम में काम नहीं करेगा दिमाग। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 9 है कि इन अ फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट का काम क्या होता है, एलिमिनेट्स एसी कंपोनेंट को वो एलिमिनेट करता है और बेसिकली वो डीसी प्रोड्यूस करता है। सो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में रेक्टिफायर को हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर दिया। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके पूछिए, और यदि आप शेयर नहीं किए तो इसे वीडियो को शेयर करें, लाइक नहीं किए तो लाइक किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लीजिए। एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।